थर्ड नंबर है वन, वन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हंड्रेड से। तो प्लेस वैल्यू ऑफ फोर इज इक्वल टू फोर, प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इज इक्वल टू सेवेंटी, और प्लेस वैल्यू ऑफ वन इज इक्वल टू हंड्रेड, क्योंकि वन कहाँ आ रहा है, हंड्रेड नंबर पे आ रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, टू सेवन फाइव, टू सेवन फाइव है। अब ये देखिए ये कितने पे आ रहा, क्या आ रहा है, वंस फाइव कितने पे, ऑन द वंस प्लेस। सेवन किस पे आ रहा है, टेन प्लेस पे, और टू किस पे आ रहा है हमारा, हंड्रेड प्लेस पे। ओके, इज दैट क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो प्लेस, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव, फाइव की प्लेस वैल्यू करनी है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कौन से नंबर पे, वन नंबर पे, इसलिए हम इस करेंगे वन से मल्टीप्लाई देन फाइव। सेकेंड नंबर पे क्या है, सेवन, सेवन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड नंबर वाले को हमेशा टेन से मल्टीप्लाई करना है, तो टेन सेवेंटी। थर्ड नंबर पे क्या है, टू, टू को थर्ड नंबर पे उसको हमेशा हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ गया 200। इट मीन्स द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव, सेवन के प्लेस वैल्यू है 70 और टू की प्लेस वैल्यू है 200। ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम सेकेंड, ये आपको मैं होमवर्क करने के लिए दूंगी, आपको करके मुझे व्हाट्सअप करके भेजना है, ठीक है। इसके बाद हम सेकेंड चीज़ पे चलते हैं, जो हमारी सेकेंड चीज़ है वो है एक्सपांड किया हुआ नंबर है उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लाना है, तो हम उसके लिए लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। दिस इज अवर सेकेंड थिंग, शॉर्ट फॉर्म में लाना है। अब जैसे हमारा लिखा हुआ है 100 प्लस 40 प्लस 8, ठीक है। व्हाट इज दिस 100, 40 प्लस 8 इज इक्वल टू, इधर से ही चलो, 40 प्लस 8 इज इक्वल टू 48, यहाँ फिर प्लस लगा दो, ये क्या है 100, 100 प्लस 48 इज इक्वल टू 148, ये हमारा हुआ आंसर। एक और चीज़ करते हैं हम, ये हमने लिखा 100 प्लस 70 प्लस 8, वापस हम वही चीज़, पहले इन दोनों को ऐड करो, 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 78, ठीक है, प्लस क्या है इधर 100, तो 100 में 78 ऐड करेंगे तो क्या होगा, करके देखो 100 में 78 ऐड करो, 178 इज द आंसर। एक और बता रही हूँ थर्ड, अगर आपको मैं करने के लिए दूंगी, 100 प्लस 60 प्लस 5, ओके, पहले हम 60 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 65, इधर क्या नंबर बच रहा है 100, 100 में 65 ऐड होगा तो करके देखो आप 165 आएगा, दिस इज द आंसर। ये तो थे हमारे शॉर्ट फॉर्म, कि बड़ा लिखा हुआ है, टुकड़ों में लिखा हुआ है, उसको हमें एक नंबर बनाना है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, कि एक नंबर लिखा हुआ है उसको हमें टुकड़ों में बनाना है। इसी एग्जांपल से बनाते हैं हम 148, ठीक है, 100 बोलो, साथ में बोलना पड़ेगा 148, तो हमने बोला क्या बोला, सबसे पहले हमने 148 आ गया। एक और लेते हैं 177, इसको आपको नहीं पढ़ना आता है तो कैसे पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया वंस टेंस हंड्रेड 177, ठीक है। वह अब हम इसको बोल रहे हैं, बोलो 177। एक और बताती हूँ, देखिए अब आ रहे हैं बीच में जीरो, ये थोड़ा सा चेंज है, ये हमारा है 503, है ना, वंस टेंस हंड्रेड 503, इसके टुकड़े कैसे होंगे 503, हमने क्या बोला 500 प्लस 3, ठीक है, टेंस वाला नंबर खाली जा रहा है तो यहाँ हम लिखेंगे 0 प्लस 3, जो वंस वाला नंबर है वो तो हमने लिख दिया 3, टेंस वाले नंबर पर कुछ भी नहीं है, जहाँ जैसे यहाँ 70 था ना,
77 था, तो हमने पहले 70 लिखा, फिर 7 लिखा। यहाँ पर टेंस वाले नंबर पे 0 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, वंस वाले पे 3 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया 503। एक और देख लीजिए लास्ट, 248। अब इसको क्या बोला हमने, 200, तो ये 248, तो ये बन गया 248। यानी कि छोटा नंबर लिखा हुआ उसको हमें टुकड़ों में डालना है, और टुकड़ों में जो लिखा हुआ उसको भी हमको छोटे नंबर में डालना है, ये चीज करनी है, ठीक है। इसको कहते हैं हम एक्सपांडेड फॉर्म, एक्सपांड मतलब फैलना, एक्सपांडेड फॉर्म, और इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म, और दिस इज एक्सपांडेड फॉर्म। एक और तरीका है इस एक्सपांड फॉर्म को शॉर्ट बनाने का, है ना, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक्सपांड फॉर्म को, ये था हमारा 100 प्लस 40 प्लस 8। छोटी क्लासेस में कई बार ऐसे भी सिखाती हैं टीचर्स कि पहला पहला नंबर ले लो, ये वन नंबर ले लिया, ये फोर नंबर ले लिया, और ये ऑलरेडी वन नंबर है, 1 4 8 आंसर आ गया, है ना। जैसे कि हमने लिया था ये लिया था 100 प्लस 60 प्लस 5, इसमें भी क्या किया, पहला नंबर ले लो, इसमें भी पहला नंबर ले लो, इसमें भी पहला नंबर ले लो, तो ये 165। लेकिन मैं ये तरीका नहीं बताती हूँ, मैं बिल्कुल जो ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, बट हमें हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम बड़ी क्लास में जाएंगे हमें रटना नहीं है, है ना, हमें इस तरीके से करना है। आपको मैंने समझा दिया है, अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, वो होमवर्क आपको करना है, ठीक है, और सभी बच्चे करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मैं वापस नहीं कराऊंगी। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, ये आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है, सेकंड चैप्टर में आज के लिए इतना ही, है ना, और होमवर्क आप सभी को करना है। थैंक यू वेरी मच।